ने जब दोस्तों आप लोग का नोटिफिकेशन जारी किया था, तब ऐसा लग रहा था कि सीबीएसई बहुत जोरों शोरों पे काम कर रहा है और आपकी परीक्षा को तय समय सीमा पर करा लेगा। लेकिन कहते हैं दोस्तों, नए दिन 4 दिन के होते हैं, बाकी सारे दिन पुराने दिन ही होते हैं। और वही हो रहा है सीटेट परीक्षा को लेकर। अभ्यर्थी परेशान थे कि सीटेट की परीक्षा को पोस्टपोन किया जाए और इधर सीबीएसई ही अपनी तैयारियों को पूरा नहीं कर पाया था। बात करेंगे दोस्तों सीटेट एग्जाम के पोस्टपोन के बारे में। चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ठीक है। दोस्तों मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि देखिए, जितने भी सीटेट के अभ्यर्थी हैं, अगर एग्जाम दोस्तों यहां पर पोस्टपोन भी हो रहा है तो उसके लिए आप लोगों को पैनिक नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी दोस्तों एग्जाम की पोस्टपोन की ऑलरेडी मांग कर रहे थे, ठीक है। तो जितने भी अभ्यर्थी एग्जाम पोस्टपोन की ऑलरेडी मांग कर रहे थे, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सीटेट एग्जाम को लेकर दोस्तों जो सीबीएसई सेंटर बनाता है, जिलेवार सेंटर की सूची जारी करता है दोस्तों, उसको लेकर दोस्तों पहले डीएम को लेटर लिखा जाता है कि आपके क्षेत्र में, आपके जिले में स्कूल खाली है, उस समय कोई परीक्षा तो नहीं हो रही है। तो ये सारी चीजें अभी सीबीएसई ने की नहीं है, जिसके कारण अभी दोस्तों तय माना जा रहा है कि आप लोगों को एग्जाम को पोस्टपोन किया जा सकता है, ठीक है। बाकी आप लोग बताइएगा, क्या एग्जाम अगर पोस्टपोन होता है सही रहेगा कि नहीं रहेगा, आप लोग कमेंट सेक्शन जरूर मेंशन करना। चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना। अच्छे